हेलो एवरी वन यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माई चैनल होप फुल यू हैव सब्सक्राइब एंड वॉच दीडियोज टू सो दिस सीरीज ऑफ माई रैंडम पेजेज फ्रॉम माई लिटरेचर प्रैक्टिस सो हियर एज फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टर्म्स इज रिलेटेड टू टी एसियट एसे ऑन हेमलेट एसे ऑन हेमलेट एक उनका वर्क है जिसमें उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का मतलब उन्होंने कहा था कि किसी भी वर्क में ऑब्जेक्टिव को होना चाहिए कहने का मतलब है कि किसी दो चीज़ों के बीच में को होना चाहिए नाउ लेट्स सी अनोल्ड अनदर फैक्ट्स सिया अनोल्ड टच स्टोन मैथड इफ़ आई टॉक अबाउट टच स्टोन मैथड टच स्टोन मैथड आई अंडरस्टैंड कि दो वर्क अगर हम किसी वर्क के बारे में देखना चाहें कि ओके okay, ये वर्क कितना कितनी क्वालिटी है इस वर्क में तो हम इसे क्या करेंगे किसी बेस्ट राइटर के किसी वर्क से कंपेयर करेंगे अगर इससे मैच होता है जितना मैच होता है उसकी मेरिट्स हो जाएंगे अदरवाइज डिमेरिट्स हो जाएंगे मींस उतना अच्छा लिखा गया है तो इट्स अ बेस्ट वर्क एंड इफ इट इज़ नॉट रिटन इन दैट वे सो दैट इज़ नॉट अ गुड वर्क हॉपकिंस का स्प्रंग रिदम स्प्रंग रिदम में होता क्या है कि जो इंग्लिश लिटरेचर में हम कुछ मीटर यूज करते हैं लाइक स्ट्रेस सिलेबल्स एंड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस एक पैटर्न होता है लाइक ब्लैंक वर्ड्स एंड अदर थिंग्स सो वी वी विल विल सी सी दैट दैट दिस पैटर्न इज नॉट फॉलोड इन सम मीटर्स कि हम कहेंगे कि ने कहा कि ओके okay, चलो दो चीजों को छोड़ देते हैं बीच के स्ट्रेस स्ट्रेस को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट थर्ड सिलेबल पे आ जाते हैं सो दैट इज कॉल्ड स्प्रंग रिदम अगर ये भी आपको समझ नहीं आया तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि स्प्रंग रिदम हॉपकिंस ने दिया था टीजी टी और पीजीटी के लेवल के लिए बट फॉर यू जी सी नेट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डेप्थ टी एस सिलियट टॉक्स अबाउट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटीबिलिटी थ्योरी ऑफ इंपर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये तीनों जो थ्योरीज हैं दे आर ऑफ टी एस एलियट्स एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी एज ऑफ टी एड्स सो वट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी इन नेगेटिव कैपेबिलिटी किट्स टॉक्स अबाउट निगेटिंग हिमसेल्फ दाइटे राइटर निगेट्स हिमसेल्फ कि राइटर खुद की जो एक पहचान बन जाती है राइटर की आप अगर कहेंगे कि राइटर ने अगर नेगेटिव कैपेबिलिटी को आप समझ सकते हैं कि राइटर ने एक बुक लिखी दो बुक लिखी तीन लिखी इस तरह से लिखी तो अगर उसने चौथी बुक लिखी है और आप समझ जाते हैं कि ओके बाय रीडिंग की ये बुक किसने लिखी होगी तो राइटिंग की एक पर्सनैलिटी uh, आप लोगों को पता चल जा रही है लेकिन अगर आप कुछ वर्क्स पढ़ते हैं और आपको पता ही नहीं चलता किसने लिखा होगा मीन्स हर एक वर्क में उसे कुछ ना कुछ नया उसने ऐड किया है नए मैथड्स यूज किए हैं एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो भी है और आप पता नहीं चल पाता कि किसने लिखा है सो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी इन शॉर्ट बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ओके अप्ले विद इन अ प्ले ये जो टेक्निक है इसको वर्ज यूज इन हैमलेट और इसे ही हम माउस ट्रैप भी कहते हैं आप लोगों ने देखा होगा हेमलेट में अ प्ले विद इन प्ले कि सभी ने हेमलेट पढ़ा है जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो उन्हें पता है कि यहाँ पर uh, वहाँ पर क्लॉडियस के लिए एक ट्रैप बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें वो फंस जाता है न्यू क्रिटिसिज्म दिस वर्ड इज एसोसिएटेड टू रैनसम एंड ही आर सम शॉर्टकट्स यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू विश टू रीड दिस ऑल हियर आर सम मोर फैक्ट्स फॉर यू नॉस्टमो अ टेल ऑफ दी बोर्ड एंड चेस अ टेल इन द टू पार्ट्स एक हाँ इस जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ बताए थे यहाँ पर टू पार्स दीडियो एंड रीड दम दिस इज वन सजेशन कि इफ यू आर वर्किंग फॉर योर बेटरमेंट इन टीचिंग फील्ड यू कैन टेक दिस नोट्स एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स इट कैन बी एनी एग्जाम इन फ्यूचर hamartia what, what does hamartia mean it means tragic error by it can be by any character in a play robert browning used a monologue uh, in a best way and mother of lies the poetry and who said this i don't remember but if you remember write down in comment box this is for you sydney's defense of poetry and apology for poetry this work is by sydney aristotles poetics has 26 chapters First speaker in Dryden's poetry, an essay on dramatic poesy. Who was the first speaker? Critus. Horace, Arts poetica, the art of poetry. These can ja Art of poetry, Ars poetica. Pathetic fallacy is term which is uh, brought in existence by Ruskin, and rhyme royal was used first by Chaucer. Yeah. Stream of Consciousness, William James. Surrey used the blank words first time. So, who used blank words first time? Surrey, Earl of Surrey, and he is also called. He His name was actually Henry Howard. Unkanamtha, Henry Howard. Anti-mask is used by Ben Johnson. Sometimes we don't know what anti-mask is, so we what we can do is.

Uh, so, they came from Normandy. Maximum sonnets are written by William Wordsworth, and though the number is 514. So, how to remember this thing if you wish to remember? You know how many Shakespeare has written. So, 154. So, 154. So, this is kind of reasoning. So, hopefully, you liked this series. And tomorrow we will have some more pieces I have to talk about English literature. So be with me in this series, and I will just make a lot of things, literary things we gonna discuss about for your exams. Thank you for watching. Bye bye. Take care. See you in next video.